हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अमित था। आप देख रहे हैं AMT यूट्यूबर चैनल को। आज मैं आपको दिखा बताने वाला हूँ कि पतंग कैसे उड़ा जाता है और कैसे उसका कन्ना वगैरह कैसे बनाया जाता है, यही सब बताने वाला हूँ। वीडियो चले वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को आगे चल के। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये मंझा है, इसको चाइना मंझा कहा जाता है। और ये देख रहे होंगे आप परिती है, इसमें मैं इसको भर मैं लपेटूंगा। लपेटने के बाद मैं इसको उड़ाऊंगा। मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को वो पतंग में कन्ना कैसे बना जाता है, वो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। देखिएगा, देखिए मैं इसमें से थोड़ा सा तोड़ता हूँ कन्ना बनाने के लिए। देखिएगा आप लोग को, मैं इसमें से तोड़ लिया हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको मैं ऐसे लपेटने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे बांध के, बांधने के बाद मैं इसको थोड़ा ऐसे मोड़ दिया। एक बस इस एक हाथ खाली होना चाहिए बस कन्ना बांधने के लिए। मैं पतंग को, ये देखिए पतंग है बहुत सारी, देख रहे होंगे आप लोग। मैं उड़ा के दिखाऊंगा आप लोग कैसे उड़ाया जाता है पतंग। देखिए पतंग है, इसको जो ये देख रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे और यहाँ पे छेदा करना होगा तभी ये बांध पाएंगे। तो मैं छेदा करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देख रहे हैं इसे कुछ भी चीज़ से पतंग को यहाँ छेदा कर देना है। यहाँ पे भी एक छेदा होगा, छेदा करने के बाद एक फिर छेदा यहाँ पे करना होगा। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे छेदा करने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये बनारस में पतंगबाजी काफ़ी बढ़िया होती है, आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए इसको यहाँ पे ऐसे बांधना है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऐसे बांधना है। तो इसमें आपको दो गट्ठी बांध लेना है, बांधना होगा दो गट्ठी। देख रहा हूँ यहाँ पे दो गट्ठी बांधने के बाद देख रहे होंगे आप इस तरह से बांधना है। फिर उसके बाद ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे नीचे बांधना है कन्ना इसका। ये देखिए नीचे नीचे बांधना है। फिर उसके बाद ये एक साइड में फिर लेके फिर इधर ऐसे घुमा देना है। ऐसे घुमाने के बाद इसमें भी दो गट्ठी बांध देना है। देखिए ये बन गया दो गट्ठी। मैं उड़ा के भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे उड़ाया जाता है, अब पेंट कैसे लगाया जाता है वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। फिर इसको ऐसे करके इसको ऐसे नाप लेना है ताकि बढ़िया से उड़ सके पतंग। देख रहे हैं ऐसे तो बांध लेना है। बाकी देखिए ऐसे कर लेना है कि बढ़िया होगी। थोड़ा सा इसको पतंग बढ़िया उड़ने के लिए थोड़ा सा इसको सीख भी मोड़ना होता है। इसको मोड़ लिया हम लोग, अब ये देखिए हो गया पतंग उड़ने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो उसको मैं आप लोग को मंझा इसमें लपेट के दिखाऊंगा। ये देखिए आप मंझा इसी से पतंग लगाए जाते हैं। इसको मैं इसमें थोड़ा लपेट लूँगा मंझा ताकि उड़ाने में अच्छा लगे। देख रहा हूँ ये इससे यहाँ पे बांध लेते हैं हम लोग। बांधने के बाद मंझा को परेती में लपेट लेते हैं। लपेटने के बाद हम लोग उड़ाएंगे पतंग को, ये बताएंगे आप लोग कि पतंग कैसे उड़ाया जाता है।
अब देखिए लपेट लिए फिर इसको तोड़ देते हैं, तो ज़्यादा मंजा नहीं लगाया जाता है क्योंकि पतंग कटने के बाद उसे उलझने का डर रहता है कि उलझ जाएगा आपका फिर ख़राब हो जाएगा मंजा, तो हम लोग नीचे रख देते हैं। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ उड़ा के आप लोग को। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए इतनी सारी पतंग है, देख रहे होंगे आप लोग, मैं उड़ाने वाला हूँ पतंग को। मैं उड़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को पतंग कैसे उड़ा जाता है और पेच कैसे लड़ाए जाते हैं पतंग के। चलिए मैं उड़ा के दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, हवा तेज है। देखिए वो पतंग उड़ा दिया हूँ मैं तो, कैमरा दिखाता हूँ कैमरे से। देख रहे होंगे आप लोग मैं पतंग उड़ा दिया हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। देख रहे हैं पतंग उड़ गई हमारी, अब फिर पेश क्योंकि आगे कैमरा दिखाई नहीं देगा आप लोग को। देख रहे हैं पेच लड़ रही होगा, आप देख रहे होंगे आप लोग इधर, क्योंकि आगे कैमरा फेस नहीं कर पाएगा। जो लोग उड़ा रहे हैं वो देखिए सामने से उड़ा रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग, उन्हीं से पेच लड़ाना है हमको। देख रहे होंगे वही सब लड़के उड़ा रहे हैं जो आगे सब हैं, आगे उड़ा रहे हैं सब, देख रहे हैं वो लड़का उड़ा रहा है उसी से मेरी पेच लड़ रही है, देख रहे होंगे आप लोग वही उड़ा रहा है लड़का उसी से पेच लड़ाना है हमको। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कोई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।